कैसे आया आप उड़ता पंजाब उड़ते हुए, क्या ऐसा कुछ? नहीं, मैं उड़ती नहीं, वो ही नहीं आई, मैं गाड़ी में आई. हाँ, मैं गाड़ी में आई. अच्छा आलिया, हम सब ने गाना सुना यार चिट्टा वे, एंड नॉट किडिंग, मैं रोज ऑफिस आई बीन गोइंग टू वर्क, आई बीन लिसनिंग द सॉन्ग ऑन लूप, एंड इट्स जस्ट बीन गोइंग लाइक दैट. व्हिच इज योर फेवरेट लाइन फ्रॉम चिट्टा वे? My favorite line from Chittave. देखो मैं आमने और तुसी हो सामने. उसके बाद वाला भी अच्छा है, बुर्रा बुर्रा, वो भी अच्छा है. हाँ, so this is my favorite line. I like the बुर्रा बुर्रा line. बुर्रा बुर्रा. और वो जैसे जब भी बोलते हैं drugs दी, वो ऐसा लगता है drugs दी माँ दी. You feel that? Well, that is the motto of the campaign. तो हाँ. Drugs di madi. And Alia, we've seen you in so many different shades, yaar, in films. So many throughout your career, you've been doing different films. And now, this. I've done 5 films. Yeah, I mean, 5 films which you've done. If they've been different shades of Alia, and there's this shade of Alia, which is my shade. Okay, little bit. Okay, so tell us something about this Alia. Well, I don't think it's really it has anything to do with the shade. I don't think ever you differentiate characteristics through shade. It's more about the personality and what the journey of the character or the person is. So definitely, this is not Alia. This is a girl in the film who has her own journey with related to drugs and to substance abuse, like all the other characters. And yeah, I think it's a very interesting part for me to play because it was a complete step away from who I am. So I don't even, I look at her sometimes, it's like, oh, who are you? So that's interesting for me to see. So you know कि आज हम एक कुड़ी गाना सुनाने वाले हैं. जी. Correct. But आपको एक बात नहीं पता है. टाइंग टाइंग टाइंग. हम वो गाना दिखाने भी वाले हैं. वो तो मुझे पता है. क्या बात कर रहे हो? गाना दिखाने ही दिखाएंगे तो क्या करेंगे? मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? But हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं पीछे आपके गाना. अभी के अभी. अच्छा ठीक है, ये बहुत सस्पेंस वाला फीलिंग है. ओके, मेरे को ऐसा, मैंने सोचा दूंगा, ऐसा वो फील नहीं आ रहा है. आई थॉट आई, यू नो, व्हेन यू एंटर्ड आल्सो, आई थॉट आई डू आलिया भट्ट भट्ट भट्ट, आई कुड डू द एको. यू डिड इट, आई हर्ड इट. डिड वर्क? या नो? नो ना, एग्जैक्टली आई थॉट सो. आप जब ये गाना कर रहे थे, डिड यू लाइक इमोशंस रनिंग थ्रू यू? हाउ वाज इट? वेल, पहली बार जब मैंने ये गाना सुना तो आई एम वेरी सेंसिटिव टू ऑल इमोशनल सोल स्लो ब्यूटीफुल सोलफुल ट्रैक्स. तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, एंड इट्स वेरी सिम्बॉलिक टू माय कैरेक्टर्स जर्नी. बट शूटिंग दिस सॉन्ग वाज पर्टिकुलरली वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्टली आई मस्ट से स्पेशल थैंक्स टू वासु फॉर शूटिंग दिस सॉन्ग एंड डायरेक्टिंग दिस, बिकॉज इट्स हर द कैरेक्टर्स जर्नी बिफोर शी गोज टू पंजाब. हॉकी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर लाइफ, और वो कैसे, क्योंकि दिस गाने का मतलब है इक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, सो वे रिफरिंग टू हाउ दिस इनोसेंस एंड दिस ब्यूटी एंड दिस जॉय इज नाउ एब्सेंट, यू नो. सो टू सी द बिफोर एंड आफ्टर टू शूट दिस वॉज रियली इंटरेस्टिंग. मुझे तो बहुत मजा आया हॉकी खेलते हुए. यू नो, आई वॉज लर्निंग फ्रॉम दीज रियली स्वीट गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीच मी एंड टेल मी कि ऐसे करो वैसे करो, एंड इट वॉज अ वेरी फ्रेश एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. तो आपने हॉकी खेलनी सीखी? सीखी नहीं, मैं अभी खेल नहीं सकती हूँ, कम्पीट नहीं कर सकती हूँ मैं. बट अगर हाँ कोई देगा हॉकी स्टिक, हाँ तो एक दो ट्रिक्स तो सिखा दोगे ना? अरे यार तुम लोग प्लीज चक दे आलिया, कम ऑन. हाँ पर उसका किधर है ट्रिक्स? उसके मतलब ऐसे ही सिखा दूँ? ए बॉल है क्या? Let's mime the ball. ही नहीं है. Let's mime. Fab. तो फिर मैं जरूर करूंगी. मुझे तो बता दो एक दो, एक ऐसी क्या चीज सीखी आपने हॉकी के बारे में? क्योंकि हॉकी में क्या ऐसे भागना इज वेरी डिफिकल्ट. डिड यू एक्चुअली रन फॉर लाइक शॉट्स? हाँ एग्जैक्टली. नहीं, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट. मैंने कुछ सीखा वीखा नहीं है. वी एज एक्टर्स ओनली प्रिटेंड टू नो, सो आई वॉज प्रिटेंडिंग टू नो, और आई हैड अ कोच हेल्पिंग मी एंड द गर्ल्स हेल्पिंग मी, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इट्स अ लॉट ऑफ रिस्ट एक्शन, तो मेरे रिस्ट बहुत हर्ट करते थे व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्ले हॉकी. ओके, एंड हमारे साथ फिल्म जो है, हमारे साथ अभी फिल्म के डायरेक्टर हैं. आई वुड लाइक देम टू कम ऑन स्टेज. अभिषेक चौबे जी, प्लीज स्टेज पे आइए. Abhishek, what is Udta Punjab for you? It's the most difficult film I've made, and I'm still making it. So,
फिल्म क्या होने वाली है मेरे लिए आई विल ओनली बी एबल टू टेल यू इन अबाउट 5 10 इयर्स टाइम बट राइट नाउ इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ इट And it's a very unique sort of a cast. Thoda sa ensemble tarah ka cast hai. There are four superstars and there's Alia Bhatt, there's Shahid Kapoor, there's Kareena Kapoor Khan and then there's Diljit Dosanj. To matlab bahut unique tarah ka cast hai. And everyone, after looking at the trailer, I think everyone would agree ki trailer dekhke ye nahi bol sakte ki iski film hai. Everybody looks equally there. It looks they're playing their part. Yes, of course. I mean, you know, main jab likhta hoon script to mujhe pata nahi hota ki kaun play karne wala hai. You first create the character and then find the actor, right actor to play it. And mujhe khushi is baat ki hai ki meri is film mein ye charo bahut hi mukhtalif actors hain, bahut different type ke actors hain, bahut badhiya actors hain, lekin ye wo apna star persona shed karke ek character banne aaye is film mein, jo ki mere liye badi khushi ki baat hai. Also, I think the music, Amit Trivedi saab. Ji. सर आप क्या कर रहे हो यार मतलब क्या म्यूजिक है मतलब क्या कर रहा हूं सर सर क्या जो कर रहे हो सर ऐसे सर, क्यों सर, कर सर, रहे हो नहीं करना चाहिए पता है सॉरी मतलब चिट्टा वे एक अलग हाई है इट्स अ ट्रिपी सॉन्ग एंड इट्स फुल पावर सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा एकदम जोश आ जाता है एंड देन देयर इज दिस सॉन्ग व्हिच इज अ वेरी लाइक यू नो वो लड़की के साथ बीच पे घूमने वाला सॉन्ग है हाथ पकड़ के बड़ा स्मूथ सा इमोशनल सा बड़ा प्यारा सॉन्ग है एक्चुअली I don't know if I'm able to मुझे अगर ये इजाजत है ये डिस्क्लोज करने की अबाउट द फिल्म बिकॉज इट्स कम फ्रॉम द विजन ऑफ अभिषेक चौबे फ्रॉम द स्क्रिप्ट चिट्टा वे इज ट्रिपी इज डार्क इज एजी बिकॉज टॉमी सिंह द कैरेक्टर ही इज लाइक दैट इन द बिगनिंग एंड ही इज ऑल हाई एंड ही इज ऑल ट्रिपी दिस इज द सॉन्ग दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन हिज थॉट प्रोसेस इन हिज लाइफ हिज म्यूजिक चेंजेस हिज वॉइस चेंजेस सो ये दिस इज द सॉन्ग वेर ही काइंड ऑफ You know, words of quitting drugs and I just want to say that Ikk Kudi, ye jo abhi humne this song which Diljit has sung, ye ek reprised version hai. Actually, yeah. There yeah. is an original version also. Jaise ki Amit ne kaha, jo character Tommy ka character gaata hai film mein, and Amit, you shouldn't say anything more. That's it. Shouldn't say anything more. Actually, that's what I. So anyway, there are two versions. There's this reprised version and there's an original version. To be honest, this is a promotional version. This is a reprised version. I couldn't hear the last thing. What did she say? Mujhko sunai nahi diya. Reprised version. Achha, reprised version. Okay, really. I thought I'm missing out on something. I'm really sorry. Okay. So, guys, it's open for you. The question and answers. Aapko jo poochna aap pooch sakte hain. Udta Punjab, ladies and gentlemen. Please go ahead. Hello. Amit ji, here on your right. Haan ji, sir. Gana bahut badhiya aapne compose kiya. Thank you, sir. Thank you. आजकल के जो गाने बनते हैं उनमें लिरिक्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती क्या आप मानते हैं कि इसमें जो लिरिक्स शिव कुमार बटालवी साहब को आपने लिया है उसकी वजह से भी गाना हिट हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल ये लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत है और एक्चुअली मुझे ये बताना चाहिए कि जब ये लिरिक्स मेरे पास आए थे कुछ 4 या 5 पेज के थे और उसका जब पहला वर्जन बना था वो कुछ अगर मैंने वो कंपोज भी किया था उसका लेंथ थोड़ा था 20 मिनट तो हम लोग बोले इतना बड़ा गाना तो हो नहीं सकता So Abhishek and me, we kind of decided that let's choose the best para. Actually, pura gaana hi bahut khoobsurat likha hai Shri late Shri Shiv Kumar Batalia sahab ne. So we had to. It was a tough decision to choose the right antra, the right phrases that we want, which will go along with the character, with the film, and also musically be nicely, smoothly blend ho. So we. 4 मिनट का गाना हमने ये अभी बनाया बड़ा 20 से काट के थैंक यू सो मच और बाकी के कुछ गानों के बारे में बताइए कौन कौन से एक्चुअली सारे ही गाने जो है इस फिल्म में दे आर ऑल टॉमी सिंह्स पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली इट्स हिज दे आर ऑल टॉमी सिंह्स ही सिंगिंग नॉट ऑल आई थिंक ऑल दादा डस्से इज ऑल्सो दैट ही इज रैपिंग इन इट सो देयर इज ऑल्सो हिज स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली चौबे सर विल बी टू Almost all the songs. Hi Alia, आपके लेफ्ट में आलोक here. Hi. पिछले दिनों जब ट्रेलर आया था तो काफी धुआंधार लड़ाई झगड़े हो रहे थे ट्विटर पे आलिया का लुक ऐसा आलिया का लुक वैसा ये वो चीजें आपने देखी फिर फर्दर आपके लुक को सराहा गया इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो उस पूरे फेज के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप जो कौन से फेज के बारे में जब ट्विटर पे आपके लुक और आपके लहजे के बारे में बातचीत की जा रही थी हाँ क्या बोल रहे थे लोग आप बताएं आपने पढ़ा है और आपको भी मैंने नहीं पढ़ा है आप बताएंगे
लोग कह रहे थे कि मतलब कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे थे आपके लहजे से, कुछ लोग इत्तेफाक रख पा रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुछ नहीं, कुछ तो कहिए। मैं थोड़ी उनके भेजे में घुस के कुछ इत्तेफाक चेंज कर सकती हूँ या कोई थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती हूँ। जो अच्छे सोचे अच्छे सोचे, जो अच्छा नहीं सोचे, मैंने तो काम किया है। अगर अप्रिसिएशन मिलेगी तो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, अगर नहीं भी मिलेगी तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेब। एंड फिल्म के दौरान इंजरी भी हुई थी, कुछ तस्वीरें भी आई थी, तो उसके बारे में भी जरा बताएं आप। इंजरी हुई थी, हाँ, मतलब मैं तो वैसे ही टूटी फूटी हूँ, तो दो दूसरे तीसरे दिन गिर जाती थी। जस्ट कीप क्वाइट वन सेकंड। बहुत ही हेक्टिक था, तो एक हम तो कुछ एक्शन वैक्शन टाइप की सीक्वेंस शूट कर रहे थे, तो मुझे मेरी हैमस्ट्रिंग में एक कैच आ गया, तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो बीच बीच में वो आइसिंग एंड ऑल, बट इट वाज हेक्टिक एंड वेरी फिजिकली इन्वॉल्वड काइंड ऑफ फिल्म, सो आई हैड टू पुश माय सेल्फ, यू नो, एंड वो तो इंजरीज होती रहेगी। इस फिल्म में इतनी नहीं गिरी थी विकास। दिलजीत यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो दो लाइन अगर आप रिप्राइज तरीके से सुना दें, क्योंकि आप गुनगुनाती बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच, बट आई हैव टू से कि उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम एंड हिज वॉइस एंड हिज वर्क, और ये गाना उन्होंने कैसे अपनी धुन में, द वे ही इज, यू नो, विद अमित, उन्होंने अपने वर्जन में कंपोज और गाया है, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट वांट बी एबल टू डू जस्टिस, पर मैं कोशिश करूंगी। इक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हो सद मुरादी सोनी ये भबत गुम है, गुम है, गुम है। कुछ ज्यादा रिवर्ब किया था इसके लिए, हाँ, थैंक यू यार। हाय आलिया, दिस इज उर्वी हियर। हाय आलिया, व्हाइल प्लेइंग हॉकी और व्हाइल यू वर लर्निंग फॉर इट, वाज देयर एनी मोमेंट वेयर यू नो यू फाउंड डिफिकल्टी गेटिंग दैट पर्टिकुलर एंगल और एनीथिंग? नो, कंप्लीटली। आई आल्सो ट्रेन फॉर द हॉकी बिफोर स्टार्टिंग द फिल्म, तो उस टाइम पे आई रियलाइज इट्स one would have to have a lot of years of practice to kind of really pull that off so convincingly. So literally I'm pretending to know, okay? And I had a lot of help from the director and the coach, as I said, and the students over there. The idea is to get the body language correct. At the end of the day, when you're shooting a film, you know, you leave up to cinematic liberty to make it look believable to you guys. But I did try, I did work hard at it, because I wanted to be comfortable with the stick. You know, there's a certain ease that comes with a hockey player's body language. There's a certain strength and force. So I wanted to bring that about in my character. But definitely most difficult, it used to be almost irritating, like, why am I not getting it? Because I couldn't keep track of the ball and I was constantly, you know, like letting it go. It was very difficult. Also, Amit, since Alia also sings, do we see any version where Alia and Diljit both? Actually, I wanted that to happen, but I know she sings really well. Aap dua karo, shayad ho jayega. We can still do it. Okay. We hold another press con for that. For sure. Abhishek over here, do you feel in Bollywood, Bihar is shown in a stereotyped way? Because somewhere Neetu Chandra, after seeing the trailer of the film, also said that, you know, Bihar is shown in a stereotyped way. What is your take on that? I want to just say something before Chaube says anything. I feel anybody who makes assumptions on what they see in a trailer, for us, I think it's better to keep quiet and not say anything, because whatever people are assuming, especially the person in question over here, is assuming from the trailer, could also possibly not be true. So I think for us, we always make assumptions before we can really even see the full final project. Trailer aapko bas ek hint, ek tease dikhane ke liye. Film is the real content that we're putting out there. So after seeing the film, if people have the same thoughts, I feel then it's correct to justify. Before that, I feel one should just wait. Sorry, Chaube, if you want to say something, you can say. Well, and my question has been answered. Yeah. So there's nothing more I can add to that. Thanks. Main? Film ko chhod ke? Please, aap meko bhejna chahte ho kahi? Haan? Nana? Kisne bola Nana so loudly? नहीं, गाना तो डेफिनेटली गाना है, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। अपॉर्चुनिटीज ऐसे अगर मिलेगी तो थोड़ा थोड़ा मैं गा लूंगी, बट फोकस राइट नाउ इज ऑन फिल्म्स। आगे जाके पता नहीं, मैं भी शायद एक एल्बम कट कर सकती हूँ। विकास जी, आपका क्या कहना है इस म्यूजिक के बारे में, फिल्म के म्यूजिक के बारे में?
I think it's Trivedi is best. And अभी हम त्रिवेदी और मैं बाहर बात कर रहे थे और कुछ कभी कभी होता है कि आप कुछ चीज़ों पे बहुत मेहनत करते हो करते हो करते हो करते हो एंड दैट रिजल्ट इज़ वेटिंग फॉर यू वन डे एंड आई थिंक दिस इज़ दैट फॉर त्रिवेदी आई थिंक इट्स बाय फार हिज बेस्ट वर्क एंड व्हेन यू विल सी द फिल्म आई थिंक यू विल फील दैट इवन मोर एंड वी आर ऑल फैंस ऑफ त्रिवेदी एंड वी कंटिन्यू टू बी सो वेल डन त्रिवेदी थैंक यू सर अमन जी आपसे सवाल है क्या लगा कि बालाजी ने इसे सपोर्ट किया क्या कौन से आप लोगों का कहाँ पे पीक पॉइंट लगा कहानी में या किस चीज़ में आपका विशेष वो था क्या कहते हैं विशेष चीज़ें थी जो चीज़ दिखाई दी फिल्म में आपको हमको सिर्फ चौबे दिखाई दिए और वो उसको देख के हमने बोला ये फिल्म करनी चाहिए एक्चुअली मैं चौबे को और विकास को काफ़ी टाइम से जानता हूँ तो ये पिक्चर शुरू से अच्छी लगी और एक्चुअली गुड दैट बालाजी इज़ डूइंग इट आई एम पार्ट ऑफ इट अभिषेक जी आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि ये जो आलिया का किरदार है वो बिहार की इमेज को एक पॉजिटिव एंड देगा या एक नेगेटिव एंड देगा ये फिल्म पंजाब के बारे में है उनके बाशिंदों के बारे में है बिहार की सरजमीन के बारे में मेरा कोई टेक नहीं है इस फिल्म में ये एक अदना सा कैरेक्टर है उस फिल्म में बस विकास सर प्रभात फ्रॉम एएनआई you are planning a film on Anand Kumar who runs the Super 30 Institute are you planning something like that next conference mera main idhar kyun main ko aap ghaseet rahe ho agli bari aayenge acche se baat karenge ha ek line ga lijiye main kahan aayi thi nahi abhi hai sirf super chaube super alia super trivedi super aman super vasan aur koi super nahi hai yahan pe thank Hello. you hi amit Hi, I can't see you, sorry. Yeah. Hi. Amit, your last three soundtracks have been exceptionally good. Fitool, Shandar, even Bombay Velvet. Okay. But some of the films didn't do well and uh-huh. the soundtrack got pulled. Uh-huh. So do you feel it's sad that for a soundtrack to do well, even the movie has to do exceptionally good but business? But what do you mean by pulled? Sorry. I mean, it got pulled down. It didn't get the due recognition that Not at all. I am still dancing on Gulabo. Yeah. No. I mean, especially Bombay Velvet and even Fitool for that matter. Bombay Velvet was... It was jazz. The film wanted jazz, yeah. and it's the music was part of screenplay, very very integral part of the screenplay. So if anything had to work for it to be a hit. So if the film would have worked, music would have also worked because it was part of it. It was not one of those hit songs or one of romantic songs. It was just jazz, and jazz by itself in India we don't have. As we all know, we don't have large audience. मैं कहना चाहूँगा कि actually त्रिवेदी ने सब में बहुत अच्छा music किया था. हमने उस music को आगे नहीं जाने दिया. कि हम सब directors का. हाँ, actually producers. ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था. अरे मैं बोल रहा हूँ फिर भी चढ़ रहा है. हाँ. तो guys, but I think Amit did a great job of music in Velvet and Shandar and Fitool and I think it was like I said earlier, it's just coming to him and this is his sixer. This is when Yuvraj is going to hit 6 sixes. Okay. Yes, sir. I love you, sir. Thank you. Vikas, sir. Guys, last two questions. Last two questions, guys. कल अनुराग कश्यप साहब ने accept कर लिया कि बॉम्बे वेलवेट की जो असफलता है वो उन्होंने accept कर लिया कि वो खुद उसके जिम्मेदार हैं पूरी तरह मैं तो बोल रहा हूँ वो भी नहीं है मैं हूँ Guys, please stick to the film. I think as a producer, we are here to speak about Udta Punjab. Only on Udta Punjab. Hi Vasan Bala. Hi. He overtook you because he has the mic. Oh, clap, huh? Are you comfortable to abuse? Oh, never abused in your life? Huh. So if the character is angry. Or the character's upset, or character's distraught. Alia doesn't have anything to do with it. It's the character. So when I'm doing anything, whether it's dancing, crying, abusing, you know, jumping, anything, I'm doing it as the character. I may not be necessarily feeling like that at that time, but I'm doing it because that's the way it is in the film and the script and the character. I'm comfortable doing what's in my character. Yeah, hi. Last question, Vasan, guys. Hi, Vasan. One second. For you. Shh. Vasan. Very. Yeah, hi. Gaurav from Midday. Over here, onto your right-hand side.
So, couple of questions. Anyone can answer, Aman, Vikas, or Abhishek. You know, CBFC has been very strict, you know, with their whole process. You know, the kind of trailer we saw, and even the song Chitave. So there are a lot of slangs, or maybe let's say an abuse and all those things. So are you prepared for whatever the circumstances will come towards you? Maybe the cuts and everything. It's a good question. First of all, I would like to say that I would insist with the board to give us an adult certificate, because I think this film has been made for an age group of a certain kind, a certain number and above that. However, within that, this is my personal, and I think because there's so much going on, everyone has a personal view on it. I think CBFC is going through a process to come to a point where people understand what they're trying to do. And there seem to be fluctuations in some of the decisions, but I think that's a process and a manner. But I personally think they're coming to a point where they are, where people after some time will feel that some decisions are justified and they're having good results with the audience and with the people out there. So this film is adult. We should get adult certificate. And I think everything, if seen in the right context, we will get the right judgment on everything with, to do with the film. Don't you think somewhere down the line, whatever the cuts and everything comes, it hampers the film, or maybe the thing which you're trying to portray, or if there's a cut in it in a particular scene, so it doesn't come up that way? It does happen at times that something that the way you'd conceived, and in case there's a cut, it doesn't convey the right message. But I think if most of the time when you see it in the overall context, and even the CBFC does that, they try to ensure that your message is not diluted while something they're trying to achieve is achieved at the same time. Thank you. Hi, Alia. I with the golf hat. Yeah. Hi, Alia. आपसे सवाल है कि आपका जब look पहली बार जब बाहर आया था, तो सबसे ज़्यादा shocking reaction किसका मिला था जो आप हमें बता सकें? सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन वो आई थिंक सबसे मेरे लिए नॉट व्हेन द लुक केम अप, जब हमने शूटिंग शुरू की थी तो आई वॉक्ड ऑन टू सेट और एडी वहां पे खड़ा था, तो जब एक्टर सेट पे आते हैं तो सब लोग ऐसे हो जाते हैं मैडम, तो मैं जो आई थी ए चल, तो ऐसे हो गया, तो किसी को नोबडी रियलाइज दैट इट वॉज मी. And they were just chilling, and then suddenly when I spoke to Chobe, somebody realized it was me, and everybody just took 5 steps at the back because they felt like they had made a blunder. So I think for me that was the most shocking reaction, because I just completely blended in. So they thought that maybe I was, you know, koi shooting dekhne aaya hai, that kind of a person over there who was hanging around. So that was quite interesting. Alia, hi. Things are going really well for you professionally. Your last film, Kapoor and Sons, did well. And I'm sure Udta Punjab bhi achha karega. But on personal level, there are reports that things are not well between you and Siddharth. Ek nok joke hai aap dono ke beech. Siddharth se hum mile the, to unhone kaha tha ki he only has love for you. What has Alia got to say? Main bas yehi kehna chahti hu ki yahan hum Ikk Kudi ke bare mein baat kar rahe hain. Munde ko aap ghar pe hi chhodiye.